एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आगामी त्योहारों को लेकर राजपत्रित अधिकारियों के साथ पुलिस ऑफिस के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए दुर्गा पूजा, विजयदशमी, नवरात्रि, चेहल्लुम, दुर्गा प्रतिमा के स्थापित स्थान, मूर्ति के विसर्जन के मार्ग को लेकर सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ एक गोष्ठी की गई है, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पब्लिक के साथ संवाद बनाए रखते हुए मूर्ति स्थापित करने वाले आयोजकों के साथ थाने स्तर पर बैठक की जाए, जिसके लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि वह BPO के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में मूर्ति स्थापित करने वालों की सूचना संकलित करें और थाने स्तर पर इस कमेटी की बैठक करें, जिससे कि त्योहार को सकुशल संपन्न कराया जा सके। इस अवसर पर CO कैन श्याम देवबिंद, CO कोतवाली रत्नेश्वर सिंह, CO गोरखनाथ रत्नेश सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, सर आगामी त्योहारों को लेकर बैठक की, सर क्या निर्देश दिया गया? देखिए, आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए विशेष रूप से दुर्गा पूजा, नवरात्रि, विजयदशमी, चहल्लुम व अन्य जो भी आयोजन आने वाले दिनों में हो रहे हैं, उसको लेकर के सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ कल एक बृहद मीटिंग की गई है, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पब्लिक के साथ संवाद बनाते हुए जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जहां पर भी प्रतिमाओं की स्थापना होनी है, उनका क्या रूट रखा जाना है, उनका विसर्जन कब और कहाँ होना है, रामलीला के जो कार्यक्रम होने हैं, विजयदशमी के जो कार्यक्रम होने हैं, इन सब की डिटेल में चर्चा की गई है। शासन के जो निर्देश हैं त्योहारों के मनाए जाने के संबंध में, उनका पालन कैसे कराया जाना है, इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में BPOs के माध्यम से सूचना का संकलन करें और लगातार पीस कमेटी की मीटिंग करते हुए इन सभी त्योहारों को सकुशल रूप से और शांतिप्रिय ढंग से संपन्न करवाएं।